हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेस्ट साइज। बहुत से माताओं बहनों ने और लड़कियों ने हमारे चैनल पे कमेंट्स किया कि डॉक्टर साहब हमारा ब्रेस्ट छोटा है, हमें शर्मिंदा महसूस होता है, मैं इसे बड़ा करना चाहती हूँ, कोई आप देसी उपाय घरेलू उपाय बताएं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं सब कुछ बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझाऊंगा कि आप अपने ब्रेस्ट के साइज को कैसे बड़ा कर सकती हैं। आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और नए व्यूअर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही स्कूल कंटेंट पढ़े लाते रहता नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, पहले जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यूँ तो विश्व के 70 देशों में ये सर्वे किया गया तो ये पाया गया कि करीब करीब 68 यानी 68% औरतें अपने ब्रेस्ट के साइज से संतुष्ट नहीं हैं, उनका ब्रेस्ट उनकी इच्छानुसार बड़ा नहीं है, छोटा है, अतः वे संतुष्ट नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 90% औरतों के लड़कियों के जो ब्रेस्ट होते हैं उनके माँ से मिले होते हैं, जीन ट्रांसफर की वजह से होते हैं, यानी उनके माँ का शरीर का अंगों का साइज जिस हिसाब से होता है, उनके बेटियों का भी अंगों का साइज करीब करीब उसी हिसाब से होता है, इसमें खास बदलाव नहीं होता। चाहे आप लाख उपाय कर लो, ऐसे दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे ब्रेस्ट साइज बढ़ाया जा सके सिवाय सर्जरी के, सर्जरी के द्वारा ही सिर्फ बढ़ाया जा सकता है। हाँ, कुछ देसी नुस्खे हैं, देसी कुछ घरेलू उपाय हैं, कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हैं जिनके द्वारा आप उनके साइज को बढ़ा सकते हैं। पहले नंबर दोस्तों, आप खुद से ध्यान दें कि आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, लिकोरिया यानी सफ़ेद पानी जाना, वाइट डिस्चार्ज, कोई अदर कोई दमा कोई बीमारी या पेचिस की बीमारी जिसमें आपको डिहाइड्रेशन होता रहता हो। तो दोस्तों, इन सब चीज़ें डिहाइड्रेशन होने से, संक्रमण होने से, सफ़ेद पानी जाने से औरतों का जो स्तन है, ब्रेस्ट है, वो छोटा होता है, सिकुड़ जाता है, लटक जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो पहले आप अपना इलाज करवा कर देख लें आप बिल्कुल सही सलामत ठीक ठाक हो कि नहीं, क्योंकि ये पहले ज़रूरी है, तभी भी जाके बड़ा हो सकता है। दूसरे बात में आता है कि दोस्तों, आप खान पान की कमी, नॉर्मली देखा गया है विटामिन ई की कमी से ब्रेस्ट छोटे हो जाते हैं, तो विटामिन ई की गोलियाँ आती है, आप उसे खा सकते हैं, एक एक गोली सुबह शाम 4 सब्जी में खा सकते हैं, किसी डॉक्टर के सलाह से ही खाना, कभी भी ऐसे अपने मन मर्जी से आप ना खाएं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होने से भी स्तन छोटे हो सकते हैं। तो यह विटामिन की गोलियां जाती हैं या ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती हैं, सुचारू करती हैं, हर अंग में लास्ट पॉइंट तक वह ब्लड को पहुँचाती है। दूसरे नंबर दोस्तों, जितने भी दुनिया में क्रीम आते हैं, जेल आते हैं, ये सब झूठे दावे करते हैं, ऐसा रियल में उनसे फ़ायदा आज तक किसी को नहीं हुआ, मैं नहीं मानता कि उससे कोई फ़ायदा होता है क्रीम से या ब्रेस्ट से। हाँ, जैतून ऑयल को आप नियमित रूप से मालिश करेंगे तो आपका ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है और टाइट भी हो सकता है। आप एक कटोरी गर्म पानी ले लें, मतलब गुनगुना पानी सहने योग्य, इनकी छाला पड़ जाए, और एक आप कटोरी में बर्फ का टुकड़ा रखें, यानी बर्फ के टुकड़े को एक बार घुमाएं और एक बार गुनगुना पानी का छींटा मारें, इसको नियमित प्रतिबंध करना है डेली दोनों ब्रेस्ट में, बर्फ घुमाएं कुछ देर तक, छींटा मारें, थोड़ा थोड़ा मालिश भी कर लें अपने आप साथ, उसको मसाज भी कर लें, ऐसा करने से ब्रेस्ट साइज बढ़ जाता है। दोस्तों, आजकल ऑनलाइन ब्रेस्ट डेवलपर एक यंत्र आता है प्लास्टिक का, वो पंप द्वारा हवा खींचता है, ब्लड खींच के और ब्रेस्ट में भर दो, उसको दबाओगे ना तो ब्रेस्ट जो वो ब्लड को खींच करके वो ब्रेस्ट में भरता है, इससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, फलतः ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। ये आसान उपाय है, आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से या अमेजन से ब्रेस्ट डेवलपर यंत्र, हाँ, स्तन वृद्धि यंत्र करके आप ऑनलाइन मिलता है, आप मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी फूड में ज़्यादा विटामिन ई, जैसे गाजर हुआ, सेब हुआ, संतरा हुआ, पनीर हुआ, मक्खन हुआ, दूध मलाई, ये सब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लें, काजू किशमिश ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपके अंदर ब्लड की मात्रा ज़्यादा बनेगी, और ब्लड की मात्रा ज़्यादा बनने से भी ब्रेस्ट
साइज बढ़ जाता है। कभी कभी किसी बीमारी से भी हम ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, हमारी चर्बी सूख जाती है, क्योंकि जो इसके टिश्यू होते हैं ब्रेस्ट के वो नॉर्मली रुई की तरह होते हैं, वो जल्दी सिकुड़ भी जाते हैं। थोड़ी सी कमी है शरीर में, आगे डिहाइड्रेशन हो गया या कोई बीमारी लग गई, कोई आपका CBC काउंट घट गया या मतलब कुछ इन्फेक्शन आ गया, तो बहुत जल्दी सिकुड़ भी जाता है, छोटा हो जाता है। अतः समय समय पर इसकी जाँच कराते रहें आप। अतः आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अतः इसके लिए हेल्दी फूड का सेवन जरूर करें, जंक फूड फास्ट फूड तैलीय चीज खाना आप बंद कर दें। लाइक करें।